नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं रक्षा पेंशन शिकायत निर्वाणा पोर्टल के बारे में। तो देश के कई प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को समय समय पर दिया जाता है। इसी प्रकार से देश के भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विस मैन के लिए भी कई प्रकार की पेंशन स्कीम को चलाया जा रहा है। लेकिन कई बार पेंशन के ना मिलने या पेंशन से जुड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में एक्स सर्विसमैन की पेंशन से जुड़ी सभी समस्या का निराकरण करने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल पर जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर आपको यहाँ पर शिकायत दर्ज करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। आने के बाद आपका इस प्रकार से होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे लॉज योर ग्रीवियंस लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे बोल रहा है ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज द ग्रीवियंस रिलेटेड टू एन एक्स सर्विस मैन, आपको यस में टिक करना है दोनों में और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ से आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे पहले बोल रहा है ESM रिटायर्ड फॉर्म है, तो किस चीज़ से रिटायर्ड है, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पिटेंशन कैटेगरी जो है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ पिटेंशनर का क्या नाम है वो बताना है। इज द पिटेंशनर एंड द PPO होल्डर द सेम पर्सन है, तो आप यस पे टिक कर दीजिए। एड्रेस आपको बताना है, कंट्री स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर अपना दे दीजिए। फिर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे देना है, सर्विस नंबर ऑफ ESM जो है वो देना है, यूनिट लास्ट सर्व कब किए थे, रिकॉर्ड ऑफिस वो बताना है, रैंक लास्ट हेल्ड, PPO नंबर, टाइप ऑफ रिटायरमेंट, नेचर ऑफ पेंशन जो है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और इंटर ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन 4000 कैरेक्टर वर्ड में आपको यहाँ पे बताना है डिस्क्राइब करके। डू यू वॉन्ट टू अपलोड PDF, यहाँ पे आप PDF भी अपलोड कर सकते हैं। फिर इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे भर लेना है। भर लेने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा कंप्लेंट फाइल करने का।